अब देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि वाइकिंग्स वेलहेला सीरीज के फैंस इसके सीजन 3 का बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट कर रही हैं एंड काफी लंबे टाइम से कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले इस शो के सीजन 1 एंड सीजन 2 के रिलीज होने का जो पैटर्न रहा है तो उसके हिसाब से हमें इसका सीजन 3 देखने को मिलना चाहिए था जनवरी या फिर फरवरी 2024 में, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि प्लेटफॉर्म ने इसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आखिरकार अब जाकर उन्होंने वाइकिंग्स वेलहेला के सीजन 3 की ऑफिशियल डेट को कंफर्म कर दिया है, जो कि होने वाली है 11th ऑफ जुलाई 2024, यानी कि इस डेट में आपको इस सीरीज के 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे एंड ये इस शो का आखिरी सीजन भी होगा, यानी कि इसके बाद आपको वाइकिंग्स वेलहेला की कोई स्पिन ऑफ या फिर कोई सीक्वल सीरीज देखने को नहीं मिलने वाली है। फिलहाल तो प्लेटफॉर्म का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। 24 एपिसोड के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए थे जो कि अब कंप्लीट हो चुकी हैं। हालांकि पहले शो के बारे में ऐसी न्यूज सुनने में आ रही थी कि मे बी जेब स्टुअर्ट यानी कि सीरीज के क्रिएटर सीजन 4 एंड सीजन 5 के लिए भी आगे कंटिन्यू कर सकती हैं, बट आखिरकार प्लेटफॉर्म ने जो अपना डिसीजन दिया है तो उसके हिसाब से तो वो आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। जिसके बाद अभी हाल ही में सीजन 3 का जो ट्रेलर रिवील किया गया है तो उसमें हमें इसकी स्टोरी के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाता है। साथ ही ये भी कि सीजन 2 जिस पॉइंट पर एंड हुआ था तो उसके करीबन 7 बाद से सीजन 3 की कहानी चालू होने वाली है, यानी कि हमें अच्छा खासा टाइम गैप देखने को मिलेगा। और क्या पता ये भी जानने को मिले कि इस टाइम गैप में हमारे जो मेन लीड्स है वो क्या कर रहे थे। और क्योंकि ये शो इसी सीजन के साथ एंड हो रहा है तो मे बी हमें एंडिंग में एक काइंड ऑफ परफेक्ट एंडिंग देखने को मिले, अपने मेन लीड्स अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते थे तो मे बी हमें इसमें ऐसा कुछ शो किया जाए, क्योंकि देखकर भी यही लगता है। एंड साथ ही हमें इस बार सीजन 3 के अंदर काफी सारे नए नए कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जगह भी नहीं है। इससे पहले शो के मेकर्स ने ऑलरेडी कह दिया था कि सीजन 3 के अंदर हम अच्छे से एक्सपेंड करने वाले हैं। सीजन 1 एंड सीजन 2 का मेन फोकस था अपने मेन लीड्स को अच्छे से डेवलप करने के ऊपर, तो वहीं सीजन 3 का मेन फोकस होगा इस सीरीज के वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के ऊपर। एंड साथ ही शो के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसे यानी कि सीजन 3 को इस बार ए रेट किया गया है, यानी कि ओनली फॉर एडल्ट, जो कि इसके ट्रेलर को देखकर लगता भी है। इतने सारे गोर सीन्स है, बहुत ज्यादा मारकाट है, वॉयलेंस है एंड साथ ही इसके अंदर हमें कुछ सेक्सुअल सीन भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसे ए रेटिंग दी गई है, जो कि बातें इसके फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं वाइकिंग्स इज ऑल अबाउट वॉर एंड इस बार वाइकिंग्स वेलहेला सीजन 3 का मेन थीम भी वॉर ही है, जो कि इसके ऑफिशियल क्लिप को देखकर कंफर्म भी हो जाता है। बट इस बार गौर सीन्स पहले से कुछ ज्यादा ही भर भर कर डाली गई हैं। ये अगर बात करें सीरीज के फ्यूचर के बारे में तो आपको ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ कि सीजन 3 के बाद शो का दी एंड हो जाएगा, यानी कि हमें इसके आगे कोई भी सीजन वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। बट फिर भी अगर ऑडियंस को सीजन 3 काफी ज्यादा पसंद आता है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि प्लेटफॉर्म इसकी कोई स्पिन ऑफ सीरीज या फिर कोई मूवी वगैरह अनाउंस कर दे, बट उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और बाकी अगर बात करें असैसिन्स ग्रीड वेलहेला गेम की लाइव एक्शन सीरीज के बारे में, तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको ऐसी अपडेट दी थी कि प्लेटफॉर्म इस सीरीज के ऊपर काम कर रहा है एंड मे बी जेब स्टुअर्ट ही इसे बनाएंगे, बट अभी के लिए इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई है कि प्लेटफॉर्म इसे ऑफिशियली कंफर्म करने वाला है या फिर काम कर ही रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें इसके बारे में कोई अपडेट जानने को मिले। और बाकी आप में से कौन कौन सीजन 3 के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा है तो नीचे #vikingsvalhalla3 कमेंट करना मत भूलना एंड आगे इसको लेकर जो भी अपडेट होगी मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्म करता रहूंगा।